नमस्ते, मैं अविचल दुबे। हर साल दिवाली के साथ एक डिबेट शुरू होती है कि आखिर हिंदू त्योहारों पर ही इस तरह के बैन क्यों? पटाखों से ही पॉल्यूशन होता है और किन्हीं त्योहारों पर इस तरह की दिक्कतें क्यों नहीं आती हैं, बैन क्यों नहीं लगाए जाते हैं, ब्ला ब्ला कई सारी बातें हमारे सामने आती हैं, लेकिन इसको बड़े कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। दरअसल हम कई सारे और दूसरे हिंदू त्योहार मनाते हैं, हम सभी त्योहार मनाते हैं, सभी त्योहार अलग अलग परंपराओं से मनाते हैं, सभी पर इस तरह की बातें नहीं की जाती हैं बैन लगाने की, पर्टिकुलर किसी सामान पर जिससे सबको नुकसान होने वाला है, जो जला रहा है उसको भी नुकसान होने वाला है, उसमें ऐसा बैन जरूरी हो जाता है। इसको आसानी से ऐसे समझना पड़ेगा कि पटाखे कोई भी चलाए लेकिन उससे नुकसान होगा ही होगा, एयर पोल्यूशन होगा ही होगा, क्वालिटी इंडेक्स खराब होगी, गिरावट आएगी और वो सभी के लिए घातक होने वाली है। कोई भी चलाए, किसी भी त्यौहार पर चलाए, क्योंकि दिवाली पर ही पटाखे चलाए जाते हैं ज़्यादातर, इसीलिए उस समय इन पर बैन लगाया जाता है। इसको और ढंग से समझते हैं। पटाखे हवा में डस्ट पार्टिकल्स और पॉल्यूटेंट्स को बढ़ाते हैं। पटाखों में कई तरह के केमिकल्स होते हैं और जब इन्हें जलाया जाता है तो वो हवा में मिल जाते हैं। ऐसा होने पर ये पक्का हो जाता है कि आसपास की एयर क्वालिटी खराब हो जाएगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा और धीरे धीरे आपको सांस लेने में तकलीफ होगी या वो खराब हवा आपके अंदर जाएगी और नो डाउट आपके फेफड़ों को खराब करना शुरू कर देगी। बीते सालों के ट्रेंड में यही देखने को मिला है कि दिवाली के बाद जो एयर क्वालिटी होती है वो दो गुने से ज़्यादा गिर जाती है। हवा में PM2.5 पार्टिकल्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो पिछले साल 2020 में 14 नवंबर को दिवाली थी, 13 नवंबर को दिल्ली में AQI जो था वो 200 था, जो दिवाली वाले दिन डबल हुआ और 400 से ज़्यादा पहुंच गया। इससे पहले भी दूसरे सालों में इसी तरह का ट्रेंड देखने को मिला है कि दिवाली वाले दिन जो एयर क्वालिटी होती है वो उससे पीछे वाले दिन से डबल हो जाती है। अब एक बात और समझ में आती है कि क्या केवल पटाखों से ही एयर पॉल्यूशन होता है जो इतना हल्ला होता है? तो नहीं, दूसरे और बड़े कारण हैं जिनकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होती है, उनमें गिरावट आती है। सबसे बड़ा जो कारण है वो है धूल, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स जो कंस्ट्रक्शन से पैदा होता है। इसके साथ ही जो बड़ा कारण है वो है व्हीकल्स, जो हमारे आसपास जो वाहन घूम रहे हैं उनसे निकलने वाला धुआं। करीब 60% जो एयर क्वालिटी का हिस्सा है जो खराब होता है वो इन्हीं वजह से होता है। इसके अलावा जो दूसरी वजह है वो है इंडस्ट्रीज और घर से निकलने वाला जो धुआं है, जो खराब स्थितियाँ जो घर के निकलने वाली चिमनियों से होती है वो बनती है। इसके साथ ही जो पटाखे होते हैं वो एक तरह का उत्प्रेरक, एक तरह का कैटलिस्ट का काम करते हैं, पहले से जो एयर क्वालिटी खराब है हमारी उसको और ज़्यादा खराब कर देते हैं। पटाखों और दूसरे वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होती है, यानी कि हमारे आसपास की हवा खराब होती है, वो कितनी खतरनाक है तो आपको इस डेटा से समझना चाहिए। देश में 2010 में 14.5 लाख से ज़्यादा मौतें एयर पॉल्यूशन की वजह से हुई थी, 2019 में ये बढ़कर 16.5 लाख से भी ज़्यादा हो गई, यानी कि बीते 10 साल में एक दशक में 2.5 से 3 लाख मौतें बढ़ गई। किसकी वजह से? एयर पॉल्यूशन की वजह से। दुनिया में तीसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश भारत है, पहले नंबर पर बांग्लादेश और दूसरे पर पाकिस्तान है, लेकिन कम से कम हम यहाँ पर आकर बांग्लादेश और पाकिस्तान से तो होड़ ना करें, क्योंकि ये प्रदूषण की होड़ है और हम तीसरे नंबर पर हैं। हम ये तर्क नहीं दे सकते कि बांग्लादेश और पाकिस्तान हमसे ज़्यादा प्रदूषित हैं। हमको रेस बढ़ानी होगी, हमें तेज़ी बरतनी होगी और एयर पॉल्यूशन को कम करना होगा। पटाखों से आप जितना बच सकते हैं उतना बचें। दिवाली एक हंसी और खुशी का त्यौहार है, हम किस भी वजह से उसे मना सकते हैं। पटाखे अगर नहीं भी जलाएंगे और दीपक ज़्यादा चलाएंगे तो हमारी खुशियाँ बढ़ने वाली हैं।